और आती है, इनसेन हो सकती है। Let's see, number one पे Marcos है for sure, और Marcos 38 point के साथ है। Second पे Megastars आ चुकी है, nice to see that कि उन्होंने second position हासिल कर ली है, but जो distance है first और second का वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि already यहाँ पे 38-3, 41 difference यहाँ पे आ चुका है यहाँ पर। और Fnatic third पे है, fourth पे Insane है, fifth पे Yumabaya Rexxen है, sixth पे Revenge Esports, seventh पे Crawlers and eighth पे Orange Hog। Orange Hog ने बहुत बड़ा fall ले लिया, because the team was sitting at second or third position, अब वो eighth position पे आ चुकी है। अगर आप अभी देखो Fnatic और Orange Hog के बीच में कितना डिफरेंस है, सिर्फ चार पॉइंट का डिफरेंस है। अगर आप देखो तो अगर यहाँ पे चार पॉइंट और आ जाते तो ऑरेंज रॉक यहाँ पे बैठी होती टीम इनसेन के आसपास, और वही किल इन किल्स भी यहाँ पे इनसेन के ज्यादा, उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छा देखा। बट Fnatic हमेशा वही है कि चिकन डिनर नहीं लेती, बट किल्स उनके अच्छे खासे रहते हैं और प्लेसमेंट पॉइंट्स भी उन्होंने अच्छे खासे कलेक्ट करे थे। अब चार गेम्स में Marcos की 33 किल्स है, लाइक अमेजिंग। नाइन्थ पे जेनोसाइड आती है, जेनोसाइड जो नंबर वन पोजीशन पे थी आज डे की स्टार्टिंग पे, अब वो नाइन्थ पर आ चुकी है, बट पॉइंट्स का डिफरेंस बहुत कम है, सो स्टिल दे कैन मेक अ नाइस कमबैक। टेंथ पे है गॉडलाइक, इलेवंथ पे एसटीसी है, ट्वेल्थ पे टेमलाज है। टेमलाज ने सीधा सेकंड लास्ट से एक अच्छी जंप ली है, टेमलाज परफॉर्मिंग लिटरली वेरी गुड। थर्टीन पे आती है टीम एल्स, फोर्टीन पे फुल पावर, 15 पे JSLX, 16 पे Aztec Esports। Aztec Esports से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इस टीम ने ग्रुप स्टेजेस में अलग ही धुआं मचा रखा था भाई, बहुत अच्छा खेल रहे थे ये। अभी आई डोंट नो, आज का दिन बुरा है, आई होप कि बाकी के जो तीन चार दिन होंगे इनके वहाँ अच्छा खेलेंगे। बट ये हमारी पास 16 टीम्स है, अभी भी एक ग्रुप है जो कल खेलेगा, मे बी कल खेले या परसों खेले, हम वो आपको बता देंगे। बट अब मैं फिर से बताऊंगा, ग्रुप स्टेजेस 32 टीम थी, सेमीफाइनल में 24 है, बट जब तक हम फाइनल में एंटर करेंगे हमारे पास मात्र 16 टीम्स होंगी, और उन 16 में से कितनी टीम्स को प्रो लीग के दर्शन होंगे वो तो हमें समय बताएगा।